अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बेकन। बहुत सिंपल डिश है, बहुत ये टेस्टी बनते हैं और बहुत सादा सी डिश है। बस सिर्फ दो तीन चीज़ों से ये बन जाती है। तो एक्चुअली तो आप इसको नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे 10-11 बजे कुछ खाना हो तो जब भी खा सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह गोश्त के ये बड़े बड़े हम पीस कटवा लेंगे, लेकिन जिसके नीचे चिकनाई हो, ऐसे पीस हमने कटवाने हैं कि जिसके नीचे चिकनाई हो। इस तरह से सारे पीस मैंने कटवा लिए हैं और ये मेरे पास तकरीबन 1/2 किलो से ज़्यादा हैं। अब इनको हमने ऐसे ही नहीं पका लेना, इसको पहले हमने हमें फिर थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेना है। इसके हमें बिल्कुल थोड़े पतले पतले पीस चाहिए होते हैं, गोश्त के बिल्कुल पतले से पीस आप कर लें। तो उसके लिए ये इस तरह या तो कसाई से करवा लें या फिर ये खुद इस तरह कर लें। कुछ इस डिज़ाइन के बना लेते हैं। तो ये सारे इस तरह से लंबे लंबे पीस बना के मैंने तैयार करके रख दिए हैं। तो अब हम इस पे डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, छिड़क देंगे इसके ऊपर। 1 टीस्पून मैं इसमें छिड़क दूंगी गोश्त गलाने वाला पाउडर। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके इसको कंटेनर में रख देंगे और 2 घंटे के लिए। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो चलें, तो पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है और फ्लेम को मैंने स्लो टू मीडियम कर दिया है। अब इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, ये जो इसकी अपनी चिकनाई है ये इसी में पकते हैं। तो बस इस तरह रखते जाएंगे, चिकनाई वाला पोर्शन हम नीचे की तरफ करते जाएंगे ताकि ये पिघलती जाए और इसी घी में ये पकते जाए। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दिया है। अब स्लो फ्लेम पे इसको आराम से एक तरफ से होने देंगे फिर अच्छी तरह। तो ये 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे, क्योंकि जब ये पकते हैं तो थोड़े से फूल के ऊपर हो जाते हैं। तब इन्हें थोड़ा थोड़ा सा दबा के नीचे से गोल्डन कर देंगे। तो ये देखें, अब ये गोल्डन हो चुके हैं नीचे से। अब इन्हें हम पलट लेंगे। तो अब इस तरफ से भी इसको होने देंगे 3-4 मिनट। साथ ही हमें बना रही चाय और कुछ टोस्ट मैं ब्राउन करूंगी और साथ में बनाऊंगी कुछ अंडे। हो चुके हैं, उनको हम निकाल देते हैं। पकने के बाद ये बिल्कुल सुखड़ जाते हैं। एक अंडा मैं स्क्रम्बल्ड बनाऊंगी। स्क्रम्बल्ड एग भी तैयार हो गया हमारा। अब ये जो बेकन हमने तैयार करके रखे हैं, इस पर हम थोड़ी सी ऊपर से छिड़क देंगे सिया मिर्च पिसी हुई। रेडी हो चुके हैं ब्राउन टोस्ट और चाय भी हमारी रेडी है। तो चले निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे बेकन। मैंने इसे नाश्ते में बनाया है फ्राई अंडे और ब्राउन ब्रेड के साथ, और ये चाय भी हमारी तैयार है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।